नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने दावा किया है कि इस बार सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। सुनीता दुग्गल आज सिरसा में अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत कर रही थी। सुनीता दुग्गल ने कहा कि टिकट वितरण के बाद में अनेक लोग उठ चुके हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा, सब उम्मीदवारों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा की लहर है, विरोधी हमारे 75 पार के नारे पर तंज कसने से पहले ये देखें कि वो कहां पर है। विपक्षी दलों के पास में तो प्रत्याशी भी नहीं है जिनको 90 सीट्स पर चुनाव लड़ाया जा सके। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये सब चले हुए कारतूस है। दुग्गल ने कहा कि मैं आज से पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में जुट चुकी हूँ। वहीं सुनीता दुग्गल ने नैना चौटाला पर निशाना साधा और सुनीता दुग्गल ने कहा कि नैना चौटाला ऐसे बयान देते हैं कि सिरसा लोकसभा की जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले हैं। नैना चौटाला को बयान देने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जिस ईवीएम मशीन में वो लोग वोट डालने गए थे उस पर कैंडिडेट की फोटो लगी हुई थी। दुग्गल ने कहा कि नैना चौटाला को राजनीतिज्ञों की तरह बयान देना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि अब चूल्हा चौका छोड़कर राजनीति में है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि सिरसा में 9 की 9 विधानसभा जो है वहाँ पर कमल का फूल खिलेगा, और जो पिछली बार कमी रह गई थी कि 9 में से हमारे पास सिर्फ 1 विधानसभा थी, तो अब की बार मुझे 9 की 9 विधानसभाओं पर उम्मीद है कि यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से बनेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल मनाने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए भी मैं यहाँ पर हूँ कि भी जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं एस्पिरेंट्स थे जो चाहते थे कि भी उनको टिकट मिले, और उन्होंने काम भी किया था, मेहनत भी की थी, लेकिन टिकट तो सिर्फ एक को ही मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तब उन्होंने पहले ही कहा था कि, और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जब आए थे तो उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि भी हमारा अभी कैंडिडेट कमल का फूल है, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मिलकर उसके साथ चलना है, उसके साथ काम करना है। लेकिन फिर भी जो हमारे भाई हैं ऐसे, तो उनको हम मनाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा, और उनको इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकार रहती है तो सरकार में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं, आप देखिए कि विधायक नहीं थी लेकिन पूरे 4 साल तक मैं चेयरपर्सन रही, और तो इस तरह से उनको समझाया जाएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं सरकार के अंदर, अगर वो संगठन के साथ मिलकर चलते हैं तो मान सम्मान पूरा मिलेगा उनको कार्यकर्ता के रूप में। क्या आपको उम्मीद है कि जो रुके हुए नेता हैं पार्टी से दोबारा जुड़ेंगे और प्रचार में साथ देंगे? जी बिल्कुल, पूरी पूरी उम्मीद है, और काफ़ी 90% के करीब तो जुड़ चुके हैं और साथ में हैं हमारे, बाकी जो 10% बच गए हैं उनको भी हम लगे हुए हैं कोशिश में, उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, उनसे बातचीत चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का साथ देंगे। कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि सब वही चले हुए कारतूस हैं, तो मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आता, ऐसा कंपटीशन वाली बात नज़र नहीं आती। और जिस तरह से हमारे सिरसा की अगर मैं बात करूं, इन्होंने इतनी मेहनत की है लगातार जो है, और पूरे परिवार को, और इनकी धर्मपत्नी भी जो है यहाँ से पार्षद हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ज़बरदस्त मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल खिलाएगा। जी वो कम से कम अपना कुछ, अपना भी तो कुछ बताएं, हमने तो टारगेट फिक्स किया है। कभी भी आप कोई किसी मिशन पर निकलते हैं तो कोई टारगेट तो फिक्स करते हैं, हमने अपना टारगेट फिक्स किया है, उन्होंने क्या टारगेट फिक्स किया है, उनके पास तो उतने कैंडिडेट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, और अभी जो विपक्ष की जो हालात हैं तो बहुत ही माली हालत है उनकी, तो उनके पास तो उतने कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे, 90 की 90 सीटों पर कैंडिडेट्स ढूंढने में मुश्किल आ रही है उनको। अब तक हम लोग अभी तक 78 घोषित कर चुके हैं, इतने ज़्यादा संख्या में किसने कैंडिडेट घोषित किए हैं अपने, अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किए। तो मुझे लगता है कि हमने एक अच्छा टारगेट जो है वो चुना है 75+ का। जनता को, लोग मुझे समझ में नहीं आता, पिछले दिनों भी मैं किसी के कोई स्टेटमेंट सुन रही थी कि जो है आपके नैना चौटाला जी बोल रही थी कि अरे यहाँ पे मैंने किसी से बात करी, वो आदमी बोला कि भाई हमने तो मोदी को वोट दिया था और ये लुगाई कहाँ से आ गई। तो देखो ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये अनपढ़ता वाली बात करते हैं, पढ़े लिखे इंसानों की तरह बात करना चाहिए। आप राजनीति कर रही हैं, अब आप क्यों नहीं चूल्हा चौका भूल कर आप राजनीति की तरह से ही बात करें। आपने देखा होगा कि अब की बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर बकायदा फोटो थी,
तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जनता को ये लोग पागल क्यों समझते हैं। जनता भोली हो सकती है लेकिन जनता पागल नहीं है, और इसीलिए जनता ने बड़ा जबरदस्त 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से यहाँ सर लोकसभा में जिता कर भेजा। और ये जनता को ये कह रहे हैं कि वो बोल लो के जो है कि मैं तो मोदी ने वोट डाल लिया या लुगाई कहाँ से आ गई। अरे लुगाई की फोटो थी वहां पे भैया, तो ये क्यों मेरे को समझ में नहीं आती जनता को, खासकर सिरसा की जनता को कब तक ये लोग पागल समझते रहेंगे। सिरसा की जनता जितनी समझदार है तो ये इनको सबक सिखा चुकी है और आगे आगे और सिखाएगी।